हिंदी सिनेमा जगत में शोमैन के नाम से मशहूर अभिनेता सुभाष घई एक ऐसे फिल्म निर्माता और निर्देशक रहे जिन्होंने अपनी समझ और अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है, जो अपनी कहानियों की पेशकश को इस तरह पेश करते आए हैं जो शायद ही आज तक कोई डायरेक्टर कर पाया हो, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़े पर्दे पर कई बेहतरीन हिंदी कॉमेडी रोमांच से भरपूर हर तरह की फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सुभाष घई की उस फिल्म से रूबरू करवाने वाले हैं जिस वजह से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और एक समय ऐसा आया जब इन्होंने तय कर लिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना लेंगे। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए क्या था वो पूरा वाक्या जो सुभाष घई साहब को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह देना चाहिए। दरअसल ये बात तब की है जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष घई साहब इंडस्ट्री में दो नए चेहरे लॉन्च कर रहे थे। जी हाँ, बेहतरीन एक्टर विवेक मुशरान और मनीषा कोइराला, जिनके साथ वो बॉलीवुड के दो लेजेंडरी एक्टर राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब को भी अपनी फिल्मों में कास्ट कर रहे थे। सुभाष घई इस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे तब उन्हें कई लोगों ने राय दी कि तुम दोनों ही कलाकारों को एक साथ फिल्म में मत लो, क्योंकि ये दोनों ही कलाकार स्टार्डम देख चुके हैं और दोनों ही अपने दौर के बेहतरीन अभिनेता भी रहे हैं जिनके कुछ अलग ही रुतबे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि तुम्हें इस फिल्म में कई सारी दिक्कतें आए या फिर दोनों ही कलाकार अपने अपने किरदार के लिए इतनी ज्यादा पर्टिकुलर होंगे कि हो सकता है कि दोनों में से एक कलाकार आपकी फिल्म को अधूरा छोड़ जाए। यहाँ कई लोगों ने तो सुभाष घई को चैलेंज तक कर दिया था कि आप इन स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को पूरा ही नहीं कर पाओगे। और जिस वक्त सुभाष घई को ये सभी बातें सुनने को मिल रही थी तब उन्होंने दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब से अलग अलग एकांत में बात की, जहां उन्होंने दोनों कलाकारों को ही अपना स्क्रीनशॉट और इस स्क्रिप्ट की स्टोरी भी समझाई और दोनों ही कलाकारों ने हाँ कर लिया। और दोनों ही कलाकारों के हाँ करने के बाद और दोनों से ये पूछने के बाद कि फिल्म के दौरान दोनों की वजह से फिल्म मेकर्स को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, तभी सुभाष घई ने अपनी फिल्म की सौदागर शूटिंग शुरू कर दी। और शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे कहानी को आगे बढ़ाया गया और इस दौरान राजकुमार साहब ने जब देखा कि दिलीप कुमार हिंदी में बात कर रहे हैं और इस दौरान उनकी हिंदी में एक बिहारी एक्सेंट आ रहा है, तो राजकुमार साहब ने सुभाष घई साहब से शिकायत की और उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार साहब की ये हिंदी में एक्सेंट था और मेरा हिंदी क्लियर है और ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। जहां उन्होंने ये कह दिया कि मुझे इस फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया और अब मैं इस फिल्म को इसी वक्त करने से मना करता हूँ। उस वक्त सुभाष घई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए, जहां उन्होंने राजकुमार साहब को काफ़ी समझाने की कोशिश की और दो घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और शूटिंग को बीच में रोक लिया गया था और सुभाष घई को समझाने में इतना समय लग गया कि उनका जो किरदार है वो रॉयल और रिच है। वही बात करें दिलीप कुमार साहब की तो उनका कैरेक्टर गांव के एक व्यक्ति का है, इसलिए उनकी हिंदी फिल्म में इस तरह का एक्सेंट रखा गया। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद राजकुमार साहब को ये बात समझ आई, लेकिन राजकुमार की ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई और फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर भी काफ़ी तनातनी हुई। दोनों का कहना था कि फिल्म के क्लाइमैक्स में मैं मरूंगा तो मैं मरूंगा। दोनों यही चाहते थे कि फिल्म के एंड में उनके क्लाइमैक्स को कुछ इस तरह दिखाया जाए कि फिल्म में उनकी मृत्यु हो जाए और इन सभी के बीच सुभाष घई को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोनों ही कलाकार को समझने में सुभाष घई को फिल्म के साथ साथ फिल्म को पूरा करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी और इस वजह से सुभाष घई इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि जहाँ उस दौरान फिल्म के एक सीन की शूटिंग भुवनेश्वर में की जानी थी तब सुभाष घई की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उन्हें पुणे के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिस वजह से पता चला कि इस दौरान सुभाष घई को माइंड अटैक आया है, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो गई लेकिन बाद में दोनों ही कलाकारों ने सुभाष घई को किसी तरह परेशान होने नहीं दिया, जिसके बाद इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ख़त्म किया गया। वेल, तो आपको क्या लगता है कि सुभाष घई को एक साथ दोनों ही लेजेंडरी कलाकार को फिल्म में लेना सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।